नमस्कार, आज मुझे सहित बैगन रोटे नुआ रेसीपी सेयार करी। एटा हूँ बैगन खटा रेसीपी, जो खटाटा बहुत ही चटपटा लगी था, खाइबा को टिके खटा टिके मीठा लगे, जहाँ खाइबा बहुत टेस्टी आउ बनिया बहुत इजी। तो चलते डेरी नक ये टेस्टी बैगन खटा बनैया स्टार्ट करवा। बैगन खटा बनवाई मुझे किसी बैगन नहीं भल भाव वॉश कर नहीं छोट सइज्र आ पूरा कणिया बैगन यूज करी। आपण चाहिए बड़ सइज्र बैगन नहीं पारे, किंतु ध्यान रखिए जमती टी कणिया थी तेज जाइए खटा टेस्टी हे। ता सहित मुझे किसी नहीं रसुण छेचा हाफ टी स्पून, पंचफुटन, दुटा सुखिला लंका, किसी फ्रेश भृसुंग पत्र, और मुझे तेतुड़ी पल्प नहीं हाफ कप हम, आउ किछि गुड़ नहीं टेस्ट हिसाब से। आपण एटी चीनी भी यूज करें। तो प्रथम बैगन को काटी नबा। तो आपण चाहिए या छोट छोट पीस करेंगे, किंतु मुझे दी फाड़ करी द्वारा या भितर किसी पोक पक थी से जना पड़ आए छोट साइज हो। तो ये आप देखिपे एमती करी सब बैगन को काटिकी रेडी नबा। तो ये हो मेरीनेट करवा। तो से अल्प टिके लुण एड करेंगे, ता सहित ये अल्प हलदी गुंड पकेबे, आउ अल्प टिके लंका गुंड एड करेंगे। एबे सब कुछ भल भाव मिक्स करे। तो ये मिक्स होगा, एबे या भाजी नबा। तो भाजपा मुझे गोटे पैन रे पाखापाखि गोटे बड़ चामच रिफाइंड तेल को गरम कर तेल गरम हो सारापर ए बैगन को भाजवा। ये बैगन को उभय साइड रू गोल्डन ब्राउन हो पर्यंत आउ भल भाव सीझ पर्यंत या कुक करेंगे। तो गैस फ्लेम को लो मीडियम रखिकी या कवर करी कुक करवा, जहाद्वारा ये बैगन 80% सीझिजी। तो ये या कवर करके लो मीडियम फ्लेम रे मैक्सिमम 3-4 मिनिट पर्यंत कुक करेंगे। जेहेतु यहाँ पूरा कणिया थाए तो से सीझार बहुत ही कम समय लगे। 2-3 मिनिट कुक कर सारापर यार कवर खोलेंगे, तापर यार साइड को चेंज करदे, जहाद्वर आरपट सैडटा भी भल भाव कुक हो। तो साइड चेंज कलापर आरपट सैडटा को आउ किसी समय पर्यंत कुक करेंगे। तो किसी समय कुक कर सारापर ये बैगन उभय साइड पूरा भल भाव कुक हो सीझी मत जा। तो ये या गोटे प्लेट को बाहर करनाबा। एवं जी नेक्स्ट प्रोसेस को जो थी बैगन खटा बनवा। तो से गोटे पैन में पाखापाखि 2 छोट चामच रिफाइंड तेल को गरम करेपर ए अध छोट चामच पंचफुटन एड करेंगे। एवं ए रसुण छेचा एड करेंगे, एर किसी सुखिला लंका आठ किसी भृसुंग पत्र एड करदे। तापर या हाफ मिनिट पाई टिके भाजी नेबे। एही खटा रे रसुण आउ भृसुंग पत्र एड करिबा द्वारा एही खटा रे टेस्ट बहुत बढ़िया आसता है। जदि आपण रसुण न खाऊथिबे आपण एठी रसुण एड करिबेनी। तो एठी भाजी हो जाइछे। तो एबे एठी अदा रसुण रो पेस्ट एड करिबा। तो मु एठी अदा छोटा चमच अदा रसुण पेस्ट एड करिछि। तापर अल्प टिके पानी एड करदे, जहाद्वारा मसला पड़ा ना आके मिक्स करे। एवं ये किसी सुखिला मसला एड करवा। तो अल्प सुखिला लंका गुंड एड करेंगे, अल्प काश्मीरी लंका गुंड, अल्प हलदी गुंड, अल्प धनिया गुंड एड करदे। तापर या मिक्स करे। तो ये मसला पूरा पूरी सुखिला हो जाए। तो से अल्प टिके पानी एड करदे, जहाद्वारा मसला पड़ा ना आउ मसला भल भाव मिक्स हो पार। तो या मिक्स करके हाफ मिनिट पाई या मीडियम फ्लेम रे टिके भाजी ने, जहाद्वारा मसलार कंचा स्मेलटा पड़ी। तो ये मसला भी भल भाव भाजी हो जाए। एवं ये खटापी ग्रेवी बनवा। तो से पानी एड करेंगे, आपण को जी खटा दरकार से हिसाब से पानी क्वांटिटी कम बेसी करें। तो ये होगा, ताको मिक्स करे थे। तापर ये स्वाद अनुसार लुण एड करेंगे आउ या मिक्स करे। एबे गैस फ्लेम को हाई करी ग्रेवी रे गोटे बॉल आसिया पर्यंत को कुक करेंगे। जमती ग्रेवी रे गोटे बॉल आसपर ए भाजिक रखी बैगन सब को एड करदे। तापर या कवर करके मैक्सिमम 5 मिनिट पर्यंत लो मीडियम फ्लेम रे कुक करेंगे, जहाद्वारा ग्रेवी सहित बैगन भल भाव कुक हो सीझी मत जीव। 5 मिनिट पर मुझे यार कवर कली, ये बैगन भी पूरा भल भाव सीझी जा। तो ये ये तेतुड़ी पल्प एड करवा। तो आपण को जी खटा दरकार से हिसाब से आपड़ी तेतुड़ी पल्प को एड करें, गुड़ एड करेंगे टेस्ट हिसाब से। आपण गुड़ बदल में चीनी भी एड करें।
आउ सबु बेले बाइगण पूरा भल भाव में सीझी सारा पर खटा एड करेंगे ना बाइगण को सीझे टिके समय लगे तो से बाइगण सीझी सारा खटा एड करेंगे। तापर मुझे हाफ कप पानी नहीं हाफ छोटा चामच कॉर्नफ्लोर ऐड करके आपको मिक्स करेबे जदि कॉर्नफ्लोर नापी हाफ चामच मैदा भी ऐड करेंगे या मिक्स करके ग्रेवी में ऐड करने द्वारा ग्रेवी टी गाढ़ा हे जहाँ खाइबापी टेस्ट लगे यार ग्रेवी पूरा पतला रही है तो से थिक करने यार मिक्सर ऐड करने द्वारा ये बहुत ही थिक हो खाइबापी टेस्ट लगे। एवं ग्रेवी को बस 2-3 मिनिट पर्यंत बॉयल करे हाई फ्लेम रे। ग्रेवी बॉयल हो सारापर गैस को ऑफ कर देबे तापर या को ठंडा होबा छाड़ देबे। गरम अवस्था टिके पतला रही थाए किंतु जमती ठंडा हो जीवो ग्रेवी टिके थिक हो जीवो ताको ठंडा होबा छाड़ देबे। एटी आपण यार कंसिस्टेंसी देखी पड़ते आपको एतिकी पतला अछि किंतु टिके ठंडा हो सारापर आउ टिके थिक हो जीवो। तो एटी हमर खट्टा मीठा तो ये हमारा अति चटपटा खट्टा मीठा बैगन खट्टा रेडीगला आपण यहाँ गरम भात सहित ना फ्राइड राइस सहित साइड डिश हिसाब से खाईपर खावापी बहुत टेस्ट लगी थाए। आपण थे रेसीपी को ट्राए करेंगे आउ कमी लगुच कमेंट करके निश्चय जानवे। धन्यवाद।